दो सेक्शन ओपन किए हमने रिसेंटली, तो बहुत बेस्ट सर्विस है उनकी। मैंने उनके साथ गपशप की है, उनसे पूछे, लेकिन अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी की डिटेल इंशाल्लाह एक दो वीडियोस के अंदर वो भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगा कि क्या क्या मजीद ऑप्शन है उनके पास आप सबके लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ट्रांसलेट क्या चीज़ है, ट्रांसलेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पेजेस मुझे उन्होंने दिए हैं, लेकिन जितना मुझे अभी तक समझ आई है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ट्रांसलेट के अंदर ये जो पोजीशन के ऊपर है डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, और यानी हाई प्रोफाइल के अंदर ये जो लोग हैं इनको ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेट के अंदर मैंने क्या सुना उनसे, जो उन्होंने मुझे बताया, जितना मुझे समझ आई वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्रांसलेट के अंदर आपका जो डिप्लोमा है, ट्रांसलेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और अमारात में जाहिर है अमारात की ट्रांसलेट ज़्यादा यानी रेफर की जाती है, वो अमारात की ट्रांसलेशन भी करेंगे वो, ठीक है। और गाड़ी के लाइसेंस का भी उन्होंने बताया, वो भी उसकी भी ट्रांसलेशन कुछ होती है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो मुमकिन हो सकती क्योंकि मेरे पास ना लाइसेंस है ना गाड़ी ना कुछ है, तो मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, सुपरवाइजर या कोई भी पोजीशन के ऊपर आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक ट्रांसलेट वगैरह के लिए कुछ भी काम है तो आप हमारे सेंटर पे चक्कर लगा सकते हैं। बहुत बेस्ट सर्विस है और बहुत यानी कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हाँ आपके वो जो ट्रांसलेट है उसके अंदर टाइम लगेगा, जो उसका प्रोसेस होता है सबमिशन का, टाइपिंग का या कुछ भी जो भी है उसके अंदर जो टाइम लगता है, लेकिन आपको वेटिंग में नहीं बिठाया जाएगा, ज़्यादा देर नहीं बिठाया जाएगा, वेटिंग में आकर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। तो आज की अपडेट ये है, ठीक है, ट्रांसलेट का सेक्शन ओपन किया है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, यानी कि इनकी कंपनी चल रही है, रन कर रही है ऑलरेडी, इन्होंने हमारे साथ थोड़ा मर्ज किया है, तो उसका बेनिफिट भी है कि उनको कस्टमर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, अगर उनके पास 50 कस्टमर आते हैं उसमें से कुछ 10-20 कुछ ऐसे भी होंगे कि जो मेरे पास आ सके, कोल्डर 39 याद रखना, ठीक है, कोल्डर 39, ठीक है, दूसरे कोल्डर में नहीं जाना। और